हेलो। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ नया करने वाले हैं और ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे ये पैदा ही क्यों हुआ। चले बगैर किसी टाइम जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो ये मकोड़े का सुतेला भाई बहुत दुखी है। इस उम्र में हम बीच में हक दिया करते थे लेकिन इनके तो दिल टूट रहे हैं। इस उम्र में हम सुसु करते वक्त जमीन पर धारिया बनाकर उसको सांप कहते थे लेकिन इनके इस उम्र में दिल टूट रहे हैं। इस उम्र में अगर हम बिस्तर में मूत दिया करते थे तो दूसरों का नाम लेते थे कि इसने मूता है लेकिन इस उम्र में इनके तो दिल टूट रहे हैं। इसके लिए मैं अन्ना शेट्टी का एक ही डायलॉग कहूंगा, क्या टिकटॉकर बनेगा रे तू? सिगरेट पीते हो? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? कपड़े उतार कर थोड़ी पीता हूँ। इस गोबर के कोफ्ते से मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे नंगे घूमने की उम्र है लेकिन सिगरेट पीने की नहीं। इस गोबर के कोफ्ते को नंगे घूमने में शर्म नहीं आनी चाहिए बल्कि सिगरेट पीने में आनी चाहिए। लेकिन टिकटॉक है, हर चीज उल्ट तो होगी। इन कच्चे अंडों की बकचोदी देखकर मेरे तो होश खता हो चुके हैं। मैं ऑक्सीजन छोड़ रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं। के बोता लोका सामने शेर ना माने, जे लड़ने तो सीधा मैदान जाके लड़ लई, तेरे ते कटना तेनू पता हो, साडा डसके थाने पता कर ले। हाँ, इस कार्ड डसके थाने में पता कर लो। ये वही आतंकवादी है जो जुम्मे वाले दिन किसी के जूते नहीं छोड़ता। वही आतंकवादी है जो शादी में तंबुओं के नीचे से खाने के भरे डोंगे चोरी करता है। वही आतंकवादी है जो चाय वाले होटलों में किसी की बची हुई झूठी चाय भी नहीं छोड़ता। और इसका ये सारा रिकॉर्ड डसके थाने में मौजूद है। देखा आपने कितना बड़ा बदमाश है ये। और ये बदमाश सिर्फ टिकटॉक पर ही पाया जाता है। इस बदमाश को नाई के दोस्तों चोरी करने के जुर्म में इसके सर पर 2000 जूतों का इनाम है। और जो इसको पकड़ कर डस्का पुलिस के हवाले करेगा बदमाश को और पकड़ने वालों को 2000 जूते पड़ेंगे। देख खर्चे मेरा प्यो चल सकता उस्ताद, लोकां तो मेरा हसना भी नहीं चलिया जांदा। इसको पता है कि इसके मुंह से बदबू आ रही है, कोई इसका हसना भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो बंदा दांत ही साफ कर ले। और रही बात इसके अब्बे के बर्दाश्त करने पे, वो आज तक इसी सदमे में है कि ये सच में ही मुझसे ही गलती हुई है। लेकिन ये टिकटॉक अगर बंदा 200 साल भी दांत साफ ना करे तो स्टार बन ही जाता है। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारी पिछली अपलोड की हुई वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाकर आप हमारी पिछली अपलोड की हुई वीडियो देख सकते हैं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।